हेलो दोस्तों, मैं हूँ ज्ञान और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी ट्रिक दोस्तों कि अगर आप जो है एयरटेल में 1 GB डाटा 1.5 GB डाटा का जो है डाटा लोन ले लेते हैं तो डाटा लोन लेने के बाद आप उसको कैसे वापस चुकाएंगे। तो डाटा लोन लिया है उसको वापस चुकाने के लिए आपको क्या करना है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। और जैसे कि आप जो है यहाँ पर डाटा लोन कैसे लेते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर डायल करते हैं *567*3#, और जैसे आप यहाँ से कॉल करते हैं तो जब कॉल करने के बाद आपको कुछ इस तरह आ जाता है, कॉन्ग्रेचुलेसन यू हैव सक्सेसफुल अवेलेबल 1 GB डाटा विद मिड नाइट फिल विद डेडिकेट फ्रॉम योर नेक्स्ट एयरटेल डाटा टॉपअप पैक, इस तरह का देखने को मिल जाता है और आपको 1 GB डाटा मिल जाता है। लेकिन आप 1 GB डाटा तो ले लेते हैं, जब आप इसको नहीं चुकाते तो आप दोबारा 1 GB डाटा लोन नहीं ले सकते। अगर आप अर्जेंट में कभी इमरजेंसी में लेना चाहते तो नहीं ले सकते। तो आपको जो है पहले वाला जो डाटा लोन लिया है उसको चुकाने के लिए आपको करना है, अगर आप दोबारा एक बार ले लेते हैं उसके बाद दोबारा लेते हैं कुछ इस तरह से जब, तो आपको फिर कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। जैसे कि मैं बताता हूँ, यहाँ आ जाता है योर डाटा लोन रिक्वेस्ट वाज अनसक्सेसफुल, इस तरह का देखने को मिल जाता है, नो एक्टिवेट एलिबिलिटी और आउटस्टैंडिंग डाटा लोन, इस तरह का देखने को मिल जाता है। तो आपको क्या करना है गाइज, जो पहले से डाटा लोन ले लिया है उसको चुकाने के लिए आपको क्या करना है गाइज, आपको या तो अपने मोबाइल में या तो एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन हो, फ़ोनपे हो, गूगल पे हो या कोई भी एप्लीकेशन हो जिसके ज़रिए आपको क्या करना है एक टॉपअप डाटा पैक लेना है। अगर आप जो है जैसे कि अगर आप जो है यहाँ पर जो है अगर आप जो है जैसे कि अगर आप जो है यहाँ पर 839 वाला या फिर आप कोई सा भी रिचार्ज करते हैं यहाँ पर जैसे कि करते हैं गाइज, जैसे कि 719 में 84 दिन के लिए 1.5 GB वाला पर डे आता है, तो ये वाला जो रिचार्ज करते हैं इसमें से आपको जो है वो डाटा लोन नहीं कटता है, उसमें से नहीं चुका पाते हैं। तो आपको क्या करना है डाटा लोन चुकाने के लिए, आपको क्या करना है कि यहाँ पर डाटा भी जाना है और यहाँ पर आपको क्या करना है, या तो 9 रुपये में अनलिमिटेड डाटा आ रहा है अभी जो है न्यू अनलिमिटेड डाटा का ऑप्शन आया है, या फिर आपको क्या करना है यहाँ पर 19 रुपये में 1 GB डाटा एक दिन के लिए ले सकते हैं, या फिर आपको कहना है 29 रुपये में 2 GB डाटा एक दिन के लिए ले सकते हैं, इसमें से आपका वो लोन चुक जाएगा। या फिर आपको क्या करना है यहाँ पर जो है आपको, तो इसमें से जब लेंगे तो ये जो है आपके वहाँ से लोन के रूप में काट लेंगे कंपनी वाले, तो ऐसे जो आप उसको चुका सकते हैं लोन को। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू वॉचिंग इन दिस वीडियो।